लोगों को आमंत्रण मिला था, वहां जाने का अवसर मिला था। इतना सुव्यवस्थित कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जा चुके थे और सब अतिथि जा चुके थे। राम राम बंधुओं, राम राम। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो चुकी है। विधानसभा का बजट सत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सामने योगी जी बैठे हुए हैं और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने प्रभु राम पर जो अद्भुत उद्बोधन दिया है उसको सुनकर आप सबका मन गदगद हो जाएगा। आप जरूर सुनिए। उतनी हमको नहीं लगता कि इसके पहले कभी भी सदन में हुई हो। और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष भी ये जाहिर करने में लगा रहा कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं, भगवान राम सबके हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं। बड़ा सौभाग्य था हमारा जीवन 22 तारीख को बहुत कम लोगों को आमंत्रण मिला था, वहां जाने का अवसर मिला। इतना सुव्यवस्थित कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी जब माननीय प्रधानमंत्री जी जा चुके थे और सब अतिथि जा चुके थे, तब घूमते रहे, एक एक व्यक्ति से मिलते रहे। भगवान श्री राम के हम सभी लोगों के जीवन में, हमारे यहाँ अवध में जब शिशु का जन्म होता है तो उसके कान में राम नाम राम कहा जाता है। जब विद्यारंभ होता है जीवन तो राम लिखा जाता है तख्ती पर उसका हाथ पकड़ करके, और अंतिम यात्रा के विषय में तो हम सभी को पता है राम नाम सत्य कहा जाता है। वो भगवान राम किन परिस्थितियों में तंबू में रहे, निर्वासित रहे, इस बात की प्रसन्नता कितनी गाँव गाँव है। कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ भंडारा ना हुआ हो, कोई ऐसा गाँव का पुराना मंदिर नहीं होगा, कोई ऐसा गांव, कोई कस्बा नहीं होगा जहां भंडारा न हुआ हो, जहां दिवाली न मनाई गई। और सभी प्रसन्न थे, और आपको भी मन इस बात का हम सभी लोगों की ओर से आभार है। आपने तय किया कि हम सभी लोगों को दर्शन कराने ले चलेंगे। अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर चर्चा मेरे विचार से आपके नेतृत्व में और आप दलों के दल से बहुत ऊपर है। आपको हम सभी लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष, तो ये यात्रा आपके नेतृत्व में हो रही है। तो मेरा सुझाव है कि सभी साथियों को, सभी विधायकों को खुशी खुशी चलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है और उसका अहोभाग्य है जो जाए। आपके माध्यम से जीवन एक और निवेदन करना चाहते हैं, श्री राम मंदिर निर्माण में कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अयोध्या और उसके आसपास के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पिछले 500 वर्ष से साफा नहीं बांधा, पगड़ी नहीं बांधी, छाता नहीं लगाया। विवाह में दूल्हे को साफा बांधा जाता है, पगड़ी बांधी जाती, उनकी वो प्रण, उनका वो प्रण प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। आप ही के माध्यम से जीवन ये भी अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का अवसर मिला वहां पर। भगवान राम की इस जय यात्रा में जितने सहयोगी थे, जितने उनके भक्त थे, सभी को स्थान दिया गया है। जटायु जी की प्रतिमा है, निषाद राज जी की प्रतिमा है, माता शबरी की प्रतिमा है। लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं, अगर प्रभु राम की महिमा से परिचित हुए हैं तो पूरा श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक प्रतिमा और उन्हीं कलाकार के द्वारा, श्री अरुण योगीराज जिन्होंने रामलला सरकार का विग्रह बनाया है, उन्हीं के द्वारा निर्माण करके माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वो करें तो हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। तुलसी लगे कभी भी नहीं श्रीमन हुए, उन्होंने तुलसी बाबा के लिए कहा था कि वेद मत सोध 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 के पुराण सब संत और असंतन को भेद को बताओ तो, कपटी पुराही क्रूर काली के कुचाली जीव कौन राम नामो की चर्चा चलाओ तो, कहे कभी बेनी मानो मानो हो प्रकृतिया वाहन ही में कौन प्रेम उपजाओ तो, और भारी भव सागर उतार तो कौन पर जो पे रामायण तुलसी न करो। तुलसीदास जी की वाणी, उनके ग्रंथ को कितने सत्य कथावाचकों ने हम लोगों को सुनाया है और भव सागर पार किए। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन जो हमको कहना था सारी बातें आ गई हैं। जुड़ने के लिए आभार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।